गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज विविध अभ्यास 6 के जो कमेंट किए आप लोगों ने वो क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसमें कमेंट में किया था क्वेश्चन नंबर 11 बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 24। पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें ये दिया गया है कि किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। देखो कोई आयत दिया गया है, इस आयत के ऊपर अर्धवृत्त के आकार, इस प्रकार से अर्धवृत्त के आकार से बनी खिड़की है। खिड़की कैसे बनी? नीचे एक आयत है और ऊपर क्या अर्ध है। तो इसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। इस खिड़की का जो संपूर्ण परिमाप है, संपूर्ण परिमाप ये बराबर दिया गया 10 मीटर। खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं बताइए। देखिए ये कहा गया है कि इस खिड़की से अधिकतम प्रकाश आए, इसके लिए खिड़की की विमा क्या होगी। अधिकतम प्रकाश का मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा ज्यादा हो तभी प्रकाश अधिकतम आएगा। तो क्षेत्रफल इसका अधिकतम कहा गया है, तो हमें किस खिड़की का क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना है और उस कंडीशन में इसकी विमाएं, इसकी विमाएं क्या हो सकती है। एक तो इसकी लंबाई मान लिया x है, चौड़ाई मान लिया y है। जितनी चौड़ाई होगी उतना इसका व्यास हो गया, ऊपर अर्धवृत्त बना है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वाई बटा दो। देखिए चाहे तो लंबाई ये मान लो लंबाई, तो इसको लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया और त्रिज्या इसकी हो जाएगी y बटा दो। अब इसका देख रहे हैं इसकी संपूर्ण परिमाप होगा कितना। खिड़की का संपूर्ण परिमाप होगा एक तो ये वाला इतना और प्लस ये वाला, यहां पे x, ये वाला y, ये वाला x और ये इतना। तो देखिए इसका संपूर्ण परिमाप हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये परिमाप किया गया इतना। पूर्णतया अगर खुली खिड़की है तो इससे नहीं मतलब को, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2x प्लस वाई। ये हुआ परिमाप। देखो x प्लस x 2x और प्लस वाई और प्लस ये अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर। पाई इंटू आर क्या है, y अपान 2। और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा 10 माइनस वाई और माइनस का पाई वाई अपान 2। तो ऐसे में ले तो 2x बराबर आएगा 20 माइनस 2y माइनस का पाई वाई और अपान 2। या x बराबर इसे निकाल लीजिए, x बराबर आएगा 20 माइनस का 2y माइनस का पाई वाई और अपान 4। x का मान बता चुके हैं। अब कहा गया कि इससे अधिकतम प्रकाश आए, तो अधिकतम प्रकाश कब आएगा, जब इसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो अधिकतम प्रकाश के लिए इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, इसका क्षेत्रफल होगा कितना, इस खिड़की का क्षेत्रफल हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो इतना लिया जाएगा आयत का, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स वाई, आयत का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहां पे क्या होगा, वाई बाई, तो पाई वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें एक्स का मान रख दीजिए, तो ए बराबर आएगा, एक्स का मान है 20 माइनस 2y, 20 माइनस 2y माइनस पाई वाई और अपान 4, और प्लस का आएगा पाई इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, और प्लस का आएगा पाई वाई स्क्वायर अपान 8। वाई से अंदर गुणा कर लीजिए, तो ए बराबर आएगा 20y माइनस 2y स्क्वायर और माइनस का पाई वाई स्क्वायर अपान 4 और प्लस का हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर अपान 8। इसमें 8 एलसीएम ले लीजिए, तो 1/8 बाहर आएगा
और यहां से आएगा 22 जब 40y माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 2πy स्क्वायर प्लस πy स्क्वायर, ये इक्वल टू आएगा यहां से 1/8 इंटू 40y और माइनस का 4y स्क्वायर और माइनस का बचेगा πy स्क्वायर, तो 4 माइनस पाई इंटू वाई स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू 40y और माइनस का बचेगा 4 प्लस पाई इंटू वाई स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। आप क्षेत्रफल अधिकतम या न्यूनतम के लिए dA अपॉन dy कट जीरो करेंगे, तो इसका y के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए dA अपॉन dy, तो 1/8 लिखा रहेगा, 40y का 40 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, तो बचेगा 2 इंटू 4 प्लस पाई y। अधिकतम या न्यूनतम के लिए dA अपॉन dy का जीरो, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम या न्यूनतम के लिए dA अपॉन dy इक्वल टू जीरो करेंगे। जब इसको जीरो करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू आएगा 40, 2 इंटू 4 प्लस पाई इंटू वाई बराबर आएगा 40, 2 से भाग कर दीजिए ये बचेगा 20, तो या y इक्वल टू आएगा 20 अपॉन 4 प्लस पाई। अब 20 अपॉन 4 प्लस पाई पर हम ये देख लें किसका आयतन अधिकतम है, तो निकालेंगे d2a अपॉन dy स्क्वायर, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 1/8 लिखा रहेगा और जो बचेगा माइनस का y का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू 4 प्लस वाई, 2 से काट दीजिए तो बचेगा माइनस का 4 प्लस वाई और अपॉन 4, ये लेस देन 0 है, अतः क्षेत्रफल अधिकतम है। अगर प्रकाश अधिकतम है तो इसका मतलब क्षेत्रफल हमको अधिकतम निकालना है, जब क्षेत्रफल अधिकतम है तब हमको इसकी विमाएं चाहिए, विमाएं का मतलब अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, इसकी लंबाई चाहिए, इसकी चौड़ाई चाहिए, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे x y का मान तो हमें पता चल गया, अब x का मान निकालिए, x इक्वल टू है x इक्वल टू 20 माइनस 2y, 20 माइनस का 2y, तो माइनस का इसको लिख सकते हैं 2 प्लस पाई इंटू वाई, तो माइनस का 2 प्लस पाई इंटू वाई और अपॉन 4, वाई की वैल्यू रख दीजिए, यहां से वाई की वैल्यू कितनी आई है 20 अपॉन 4 प्लस वाई, तो 20 माइनस 2 प्लस पाई और इंटू 20 अपॉन 4 प्लस पाई और अपॉन 4, 4 प्लस पाई एलसीएम लेंगे तो बचेगा 80 और प्लस आएगा 80 प्लस 20 पाई और माइनस का आ जाएगा 40 और माइनस का आ जाएगा 20 पाई और अपान में आएगा 4 इंटू 4 प्लस पाई, यहां से 20 पाई 20 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से x इक्वल टू आएगा x इक्वल टू 80 से 40 गया बचेगा 40 अपान 4 इंटू 4 प्लस पाई, 4 इंटू 4 प्लस पाई, 4 से बाहर कर लीजिए 10, तो x इक्वल टू आएगा 10 अपान 4 प्लस पाई, x की वैल्यू 10 अपान 4 प्लस पाई और y की वैल्यू 20 अपान 4 प्लस पाई, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई अपान टू कर दीजिए, ठीक। अगर इसकी रेडियस हम r मान लें अर्धवृत्त की, तो r बराबर कितना y अपान 2, तो r का मान भी 10 अपान y अपान 2 करेंगे तो 10 अपान 4 प्लस पाई, अर्धवृत्त जो बना उसकी त्रिज्या 10 अपान 4 प्लस पाई होनी चाहिए और जो लंबाई है इसकी लंबाई y बराबर होनी चाहिए 20 अपान 4 प्लस पाई और इसकी चौड़ाई x जो है x चौड़ाई होगी क्योंकि x का मान y से कम है, तो चौड़ाई इसकी होगी 10 अपान 4 प्लस पाई और इसकी लंबाई 20 अपान 4 प्लस पाई। देखिए क्वेश्चन नंबर
कहना दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू की पावर फोर एक्स प्लस वन की पावर थ्री, और इसमें हमें ज्ञात करना है कि वो बिंदु ज्ञात करना है जिसपे फलन उच्चतम है, वो बिंदु ज्ञात करना है जिसपे फलन निम्नतम है, और वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर पॉइंट ऑफ वो मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ज्ञात करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ज्ञात करना है और उच्चतम बिंदु ज्ञात करना है और न्यूनतम बिंदु ज्ञात करना है, और उस बिंदु पर उच्चतम बिंदु पर उच्चतम मान न्यूनतम मान और पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स फर्स्ट सिक्वेंस करेंगे, इसको पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन एक्स माइनस टू का फोर इंटू दूसरे का अवकलन आ जाएगा थ्री इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा फंक्शन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू पहले का अवकलन फोर इंटू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। अब देखिए दोनों में x माइनस टू का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहां से बचेगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू और यहां से बचेगा प्लस का फोर इंटू एक्स प्लस वन। इसको सरल करिए तो यहां से आएगा x माइनस टू का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और यहां से आएगा थ्री एक्स माइनस का सिक्स प्लस का फोर एक्स प्लस का वन फोर। अब सरल करिए यहां से आएगा एक्स माइनस टू का होल क्यूब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये आएगा सेवन एक्स और माइनस का एफ डैश एक्स। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे, ठीक एफ डैश एक्स बराबर जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, एक बार इसको जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, एक बार इसको जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू टू बाई सेवन आएगा। यहाँ पे एक्स के ये तीन मान आ गए, टू माइनस वन टू बाई सेवन। अब इन बिंदुओं पर देखना है कि किन किन पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, किन किन पर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होगा और किन किन पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा। अब निकाल लें एफ डबल डैश एक्स, इसका फिर से अवकलन करेंगे एफ डबल डैश एक्स। यहां पे तीन फलन दिए गए हैं तो पहला दूसरा इंटू तीसरे का अवकलन एक्स माइनस टू का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू तीसरे का अवकलन कितना देगा सेवन प्लस पहला तीसरा इंटू दूसरे का अवकलन, पहला है एक्स माइनस टू का होल क्यूब, तीसरा है सेवन एक्स माइनस टू इंटू पहले इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन टू इंटू एक्स प्लस वन और प्लस पहला फंक्शन पहला दूसरा फंक्शन तीसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सेवन एक्स माइनस टू इंटू पहले का अवकलन, पहले का अवकलन हो जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखिए सब में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन का मिला है एफ डैश एफ डबल डैश एक्स आएगा, एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉमन मिल जाएगा सब में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, यहां से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे यहां से बचेगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन सेवन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, यहां से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे तो बचेगा टू इंटू एक्स माइनस टू और इंटू एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस टू, यहां से बचेगा प्लस का टू इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर देंगे तो बचेगा एक्स माइनस टू और x प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेवन एक्स माइनस टू प्लस इसमें से x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहां से थ्री इंटू एक्स प्लस वन
थ्री इंटू एक्स प्लस वन, थ्री इंटू एक्स प्लस वन और इंटू सेवन एक्स माइनस टू, इंटू सेवन एक्स माइनस टू। आप ये देख लेते हैं कि ये किस किस पे जीरो होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर एक्स इक्वल टू टू पर भी जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस वन पर भी जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू पर देखते हैं कितना आता है। एफ डबल डैश एक्स, एक्स इक्वल टू सेवन बाई टू पर, तो ये देखिए यहां से आएगा सेवन बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर, सेवन बाई टू माइनस टू का होल स्क्वायर और इंटू सेवन बाई टू प्लस वन। यहां से आएगा सेवन इंटू सेवन बाई टू माइनस टू इंटू सेवन बाई टू प्लस वन। यहां पे एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आएगा, सेवन बाई टू माइनस टू ये आएगा तो भी चार तीन बटा दो का होल स्क्वायर, तीन बटा दो का होल स्क्वायर और इंटू यहां पे आएगा ग्यारह बटा नौ बटा दो और इंटू यहां से आएगा सेवन इंटू चार और साथ में आएगा तीन बटा दो और इंटू नौ बटा। ध्यान दीजिए ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब सात बटे दो पर फलन क्या होगा, निम्नतम होगा। अतः x बराबर सात बटा दो पर फलन निम्निष्ट होगा, सात बटे दो पर दो बटे सात, एक्स इक्वल टू दो बटा सात पे देखना है, सात बटे दो पे नहीं देखना है, x की वैल्यू आई है दो बटा सात, तो एफ डबल डैश x जो है दो बटा सात पर ज्ञात करना है, एफ डबल डैश एक्स बराबर दो बटा सात पर। यह आ जाएगा दो बटा सात माइनस दो का होल स्क्वायर इंटू दो बटा सात प्लस एक, यहां से बचेगा सात इंटू दो बटा सात माइनस का दो, दो बटा सात प्लस एक और यहां पे जब दो बटा सात रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहां पे दो बटा सात रखेंगे जीरो, बाकी सब जीरो है। तो ये एफ डबल डैश एक्स, एक्स बराबर दो बटा सात पर देखते कितना आएगा, तो ये सात में चौदह, चौदह में से दो गया बारह, माइनस का बारह बटा दो का होल स्क्वायर, यहां पे सात तो नौ बटा सात और यहां से आएगा सात में चौदह, चौदह में से दो गया, चौदह में दो गया बारह, तो सात इंटू माइनस का बारह बटा सात आएगा ये और इंटू में आएगा नौ बटा सात, ये साथ साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का एक सौ चौवालीस बटा चार इंटू नौ बटा सात और इंटू ये माइनस का आएगा एक सौ आठ, बारह नौ एक सौ आठ बटा सात, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, ये क्या देगा लेस देन जीरो। तो अतः एक्स बराबर दो बटा सात पर फलन उच्चिष्ट है। अब इसका उच्चिष्ट मान निकालेंगे, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान इसका आ जाएगा फलन में जहां जहां एक्स है वहां पे सात बटे दो रख दीजिए, तो यहां से आएगा सात बटा दो माइनस दो की पावर चार और यहां पे आएगा सात बटा दो प्लस एक का होल, तो ये आ जाएगा दो दो में चार, सात में से चार गया तीन, तो बचेगा तीन दो बटा सात, यहां से आएगा दो बटा सात माइनस दो और यहां पे दो बटा सात प्लस एक, ये आ जाएगा सात में चौदह से दो गया बारह, माइनस का बारह बटा सात का होल पावर फोर और सात को नौ बटा सात का, इसको सर करेंगे ये इसका आया उच्चिष्ट मान। अब देखेंगे एक्स बराबर एक पर मान कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच वाला। देखिए ऊंचाई एच दी गई है और अर्धशीर्ष कोण अल्फा दिया गया है और ये क्या है ऊंचाई एच वाले एक शंकु, तो एच ऊंचाई का एक शंकु है जिसका अर्धशीर्ष कोण कितना दिया गया अल्फा, अर्धशीर्ष कोण अल्फा दिया गया, इसकी ऊंचाई एच डी।
कहता अर्थ सी कोण अल्फा और ऊंचाई एच वाले लंब की सम के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई, इसके अंतर्गत एक अधिकतम आयतन का बेलन बना है, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी दी गई, सम की ऊंचाई दी गई है एच, और इसके अंदर एक अधिकतम आयतन का हमें बेलन बनाना है, तो इसके अंदर मान लिया अधिकतम आयतन का बेलन ये है, इसके अंदर एक बेलन बनाया गया है ये वाला, और कहता है अधिकतम बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई मान लिया एच डैश है, कहता है अधिकतम बेलन की ऊंचाई एच डैश बराबर चार बटा सत्ताईस पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, ये कहा गया है कि अर्थ शीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई एच वाले लंब वृत्ति सम के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई सम की ऊंचाई की अधिकतम बेलन की ऊंचाई सम की ऊंचाई की एक तिहाई है, अधिकतम बेलन की ऊंचाई जो है वो सम की ऊंचाई की एक तिहाई है, एच डैश बराबर एच बटा तीन ये दिया गया है, और ये दिया गया है तथा इसका जो अधिकतम आयतन है, अधिकतम आयतन जो है बेलन का वो चार बटा सत्ताईस पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा होगा, ये ये दिया गया है, एक लंब की समूह है जिसका अर्धशीर्ष कोण अल्फा दिया गया है और जिसकी ऊंचाई एच है, सिद्ध करना है कि इसके अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई टोटल ऊंचाई की एक तिहाई होगी, अगर बेलन की ऊंचाई एच डैश है तो सम की ऊंचाई एच है और बेलन की ऊंचाई एच डैश है तो एच डैश बराबर एच बटा तीन, और जो अधिकतम आयतन होगा बेलन का वो चार बटा सत्ताईस पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा होगा। तो देखिए सम के लिए हमें पता है ऊंचाई एच और अर्धशीर्ष कोण अल्फा, इतना हमको पता है तो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, मान लिया सम की त्रिज्या स्मॉल आर है और बेलन की त्रिज्या आर डैश है, आर डैश एच डैश ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये आर डैश ये भी तो आर डैश होगा, तो हमें आर डैश एच डैश आर और एच में एक रिलेशन लाना है, सम के लिए जो दिया रहेगा वो तो सब कांस्टेंट है, सम की त्रिज्या भी कांस्टेंट है, सम की ऊंचाई भी कांस्टेंट है, तो एक त्रिभुज ये बनना, देखिए यहां पे सम को मान लिया ए बी सी, ये सम को है इसको मान लिया पी क्यू आर एस ये बेलन, और यहां पे कोई पॉइंट डाल दीजिए, यहां पे डी डाल दीजिए, देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है ए डी क्यू, ए डी क्यू में टेन अल्फा क्या होगा, त्रिभुज ए डी क्यू में टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधा, सम की ऊंचाई एच है ये एच डैश है, ये कितना बचेगा एच माइनस एच डैश, तो टेन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधा, लंब है आर डैश बटा आधार इसमें हो जाएगा h माइनस एच डैश, और इस त्रिभुज में e डाल दीजिए, यहां पॉइंट त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में फिर से tan अल्फा ही होगा, tan अल्फा बराबर इसमें अब लंब क्या हो गया r और बटा आधार कितना हो जाएगा इसका h, टोटल ऊंचाई ये भी tan अल्फा ये भी tan अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाएगा r डैश अपॉन h माइनस एच डैश, इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर दो मान लीजिए, तो समीकरण एक तथा दो से यहां से आर डैश अपान एच माइनस एच डैश, आर डैश अपान एच माइनस एच डैश बराबर होगा आर अपान एच, अब हम क्या करें इससे R का मान H के टर्म में या H का मान R डैश का मान H डैश के टर्म में या H डैश का मान R डैश के टर्म में निकाल लें, तो R डैश का मान निकालिए, R डैश बराबर R इंटू एच माइनस एच डैश अपान एच, R का मान R डैश का मान निकाला है, अब बेलन का आयतन निकाल लें, बेलन का आयतन बेलन का यहां पे tan अल्फा का मान कितना हो जाएगा, बेलन tan अल्फा का मान
बिल्कुल, चाहे एच डैश ये है तो टेन अल्फा का मान चाहे तो आर डैश अपान एच डैश लिखेंगे, चाहे आर अपान एच लिखेंगे। अब आर डैश का मान आ गया, बेलन का हो जाएगा वी बराबर पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच डैश, तो वी बराबर आएगा पाई आर डैश स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच माइनस एच डैश का होल स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पाई आर डैश का इंटू एच, एच क्या है एच डैश, तो यहां से बी बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एच स्क्वायर प्लस एच डैश स्क्वायर और माइनस का आएगा टू एच एच डैश इंटू एच डैश, एच डैश से अगर गुणा कर दीजिए तो बी बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू यहां से आएगा एच स्क्वायर एच डैश प्लस एच डैश क्यूब माइनस का आएगा टू एच एच डैश स्क्वायर। अब डी बी अपान डी एच डैश निकालें, डी बी अपान डी एच डैश ये आएगा पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू यहां से इसका जब एच डैश के सापेक्ष अवकलन करेंगे एच स्क्वायर आएगा प्लस का यहां से आएगा थ्री एच डैश स्क्वायर आएगा और माइनस का आएगा फोर एच एच डैश। अब उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए डी बी अपान डी एच डैश इक्वल टू जीरो करेंगे, फॉर मैक्सिमा आर मिनिमा डी बी अपान डी एच डैश इक्वल टू जीरो, डी बी अपान डी एच डैश इक्वल टू जीरो, इसको जब जीरो करेंगे ये तो सब कॉन्स्टेंट रहेगा ये जीरो होगा, एच स्क्वायर प्लस थ्री एच डैश स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस थ्री एच डैश स्क्वायर फोर एच एच डैश इक्वल टू जीरो, ये एच डैश से विभाज समीकरण है सही तरीके से लिख दीजिए थ्री एच डैश स्क्वायर माइनस का फोर एच एच डैश प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये एच डैश में विभाज समीकरण है इसको सरल करेंगे तो तीन एकम तीन एक चार यहाँ पे आएगा थ्री एच डैश स्क्वायर माइनस का थ्री एच एच डैश प्लस का माइनस का आएगा एच एच डैश प्लस एच स्क्वायर बराबर जीरो, इन दोनों में थ्री एच डैश का मिल जाएगा अंदर बचेगा एच डैश माइनस एच, इन दोनों में माइनस का वन माइनस का एच का मिल जाएगा तो बचेगा एच डैश माइनस का एच बराबर जीरो, एच डैश माइनस एच दोनों में कॉमन अंदर बचेगा थ्री एच डैश माइनस एच बराबर जीरो, एक बार इसको जीरो करेंगे जब एच डैश माइनस एच बराबर जीरो तो एच डैश बराबर एच, ऐसा नहीं हो सकता कि बेलन की ऊंचाई सब की ऊंचाई के बराबर हो जाए तो ये तो अमान्य हुआ, एक बार इसको जब जीरो करेंगे थ्री एच डैश माइनस एच बराबर जीरो तो एच डैश बराबर हो जाएगा एच अपान थ्री, देखिए ऊंचाई बेलन की ऊंचाई सब की ऊंचाई की एक बटे तीन आ गई, लेकिन हमें ये भी दिखाना है कि इस ऊंचाई पर आयतन अधिकतम होगा तो इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी टू बी अपान डी एच डैश, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहेगा पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, इसका जब अवकलन करेंगे तो एच स्क्वायर का जीरो हो जाएगा थ्री एच डैश स्क्वायर का हो जाएगा सिक्स एच डैश, ये बचेगा सिक्स एच डैश और माइनस का इसका आएगा फोर एच, फोर एच डैश के साथ एच कर रहे हैं तो एच डैश का वन हो जाएगा तो यहां से आएगा माइनस का फोर एच, अब एच डैश का मान कर दीजिए ये बचेगा पाई आर स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू थ्री एच डैश का मान एच अपान थ्री माइनस का फोर एच, थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा एच माइनस फोर एच कितना आएगा माइनस का थ्री एच, तो माइनस थ्री एच मतलब लेस देन जीरो आ जाएगा, ये क्या आएगा निगेटिव आएगा मतलब लेस देन जीरो, तो डी टू बी अपान डी एच डैश स्क्वायर लेस देन जीरो, अतः आयतन अतः आयतन अधिकतम है जब h बराबर h बटा 3 अर्थात h डैश बराबर h बटा 3 अर्थात
बेलन की ऊंचाई शंख की ऊंचाई की 1/3 होगी। अब इसका हम अधिकतम आयतन निकालेंगे। अधिकतम आयतन के लिए देखिए हमको पता चल गया अधिकतम आयतन के लिए h'(h/3) है और आयतन हमको पता है v = π r² / π h² यहां पे h² * h/3 और प्लस h'(h/3) करेंगे तो h³/27 और माइनस का 2h * h'² करेंगे तो ये आएगा h²/9। इसको थोड़ा सरल करिए तो v = π r² / h² ये बचेगा h³/3 + h³/27 माइनस का 2h³/9। थोड़ा सरल करें इसको तो π r² / h² यहां से बचेगा एलसीएम ले लेंगे 27 तो 3 * 27 = 9h³ और प्लस का h³ और माइनस का 6h³ तो यहां से आएगा π r² / h² ये 9 × 10 में से 6 गया 4h³/27। आप थोड़ा ध्यान दीजिए tan अल्फा इक्वल टू है r/h तो r/h के स्थान पे tan अल्फा रखेंगे तो r² / h² हो जाएगा tan²। तो ये बचेगा 4/27 π h³ कितना हुआ और इंटू r² / h² हो जाएगा tan²α। तो अधिकतम आयतन बेलन का होगा 4/27 π h³ tan²α।